हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सैमसंग कंपनी के लेटेस्ट मॉडल 32 इंच स्मार्ट एलईडी टीवी के टीवी स्टैंड को कैसे फिक्स करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में इस एलईडी की फुल डिटेल्स एंड डेमोंस्ट्रेशन कवर की थी, और आज इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ इसके स्टैंड को फिक्स कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो सारी एक्सेसरीज जो इस एलईडी टीवी की अनबॉक्सिंग के बाद मिलती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है टीवी स्टैंड जो इस बॉक्स के साथ प्रोवाइड की गई है। सो लेफ्ट एंड राइट ए एंड बी, यहाँ पे आप दो लेटर्स देख सकते हैं इस स्टैंड के ऊपर। और ये है कुछ स्क्रूज जो इस टीवी स्टैंड को फिक्स करने के लिए यूज़ होगी। सबसे छोटी वाली स्क्रू इस टीवी स्टैंड को फिक्स करने के लिए यूज़ करेंगे हम लोग। टीवी स्टैंड को फिक्स करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस एलईडी टीवी के डिस्प्ले को कुछ इस तरह से रख लें। सो हमेशा हमें कोशिश करनी है कि एलईडी की डिस्प्ले प्लेन सरफेस पे होनी चाहिए। तो मैंने यूज़ किया है इस टीवी के साथ मिला बॉक्स। आइए मैं क्विकली आपको इस टीवी का बॉटम साइड दिखा दूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीवी स्टैंड को फिक्स करने के लिए एक स्लॉट मिलता है हमें, और यहाँ पे हमें दिखता है इस टीवी का स्पीकर। और यहाँ पे दिखती है सेकंड स्पीकर और टीवी स्टैंड को फिक्स करने के लिए सेकंड स्लॉट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टीवी स्टैंड को कैसे फिक्स करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर लेटर बी दिख रहा है, इसका मतलब कि बी स्टैंड यहाँ पे फिक्स होगी। और यहाँ पे आप स्टैंड को क्लोजली देख सकते हैं, इसके ऊपर एक लॉक दिखता है आपको, और ये वाली लॉक कुछ इस तरह से यहाँ पे फिक्स होगी। ये वाली साइड हमेशा ऊपर की तरफ ही रहेगी, और अगर आप इसे दूसरी साइड में लगाने की कोशिश करेंगे तो ये फिक्स नहीं होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अदर साइड से इसे ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये फिक्स नहीं हो रही है। अगर इस साइड को ऊपर रखूँगा तो ये कुछ इस तरह से सेट हो जाएगी और ये कुछ इस तरह से दिखेगी। ऐसे सेट करने के बाद आप फिर स्क्रू को लगा कर फिक्स कर दें। सबसे छोटी साइज़ वाली स्क्रू हमें सेट करनी है। कुछ इस तरह से सेट करने के बाद हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे टाइट कर देंगे और ये इजीली फिक्स हो जाएगी। फर्स्ट स्टैंड अच्छी तरह से फिक्स हो चुकी है। सेकेंड स्टैंड को भी हम सेम तरीके से सेट करके टाइट कर देंगे। सेम तरीके से आप पहले लॉक को ऊपर रख के इसे फिक्स कर लें, उसके बाद स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कर दें। और सेकेंड स्टैंड भी फिक्स हो चुकी है। और ये है टीवी स्टैंड को फिक्स करने के बाद इसके बॉटम का व्यू, और ये कुछ इस तरह की दिखती है। और ये है इस एलईडी टीवी का फर्स्ट इम्प्रेशन आफ्टर इंस्टॉलिंग टेबल स्टैंड। तो फ्रेंड्स, ये थी एक क्विक वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि सैमसंग के 32 इंच स्मार्ट एलईडी टीवी के स्टैंड को कैसे फिक्स करते हैं। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जानकारी मिली होगी एक नए प्रोसेस के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।